खास बात है कि गूगल टीवी है, तो खासकर हमारे रिदिमा के लिए तो बढ़िया हो गया। और अभी भी देख सकते हैं जी, मैं भी बचपन में ये ज़्यादातर देखा करता था। और टॉम एंड जेरी किस किस का फेवरेट है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना अभी। तो हाँ जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं जी सामने बहुत ही ज़्यादा फॉग है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ पूरी सपोर्ट करता है जी, क्योंकि आसान नहीं है दोस्तों इनको रखना, इनको टाइम पूरा पूरा देना पड़ता है जो मेरे भाई पास। तो मैं आप सबके लिए यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि माता पिता के अलावा कोई भी आपको बुरी सिचुएशन में या बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं मिलेगा, वो चाहे कितना भी हमारा सगा संबंधी हो। तो शाम के वक्त जी मैंने ये कपड़ा और लगा दिया था इसमें, ताकि जो इनको डायरेक्ट जो हवा ना लगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे, ओ देखो जी, ये देखो जी, ये खासियत है इस नस्ल की। तो लो जी, ये है जी हमारे चिक्स के लिए फीड, और ये रहा जी फ्रेश वाटर, पानी भर दिया है मैंने, ट्रे इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये रहे जी हमारे नन्हे मुन्ने, देखो जी हमारे मिनिएचर चिकन्स में अब जो है न्यू मेंबर और नए ऐड हुए हैं जी, नए बच्चे देख सकते हैं जी, तो करीब करीब एक हफ्ते के हो चुके हैं। तो हाँ जी फ्रेंड, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में, और परमेश्वर का धन्यवाद आज का सुंदर दिन दिखाया, और आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो, ब्लेस हो। तो देख सकते हैं जी हमारे दोनों चिक्स अभी डर रहे हैं, वहाँ पर बैठ गए, कोने में इकट्ठे हो गए हैं। मैंने ऊपर का ढक्कन हटाया तो ये डरते बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पानी और फीड रख दिए हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है, और बतानी क्या है मैं आपको दिखाता ही हूँ, तो व्लॉग में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो दोस्तों हमारे जो है 3 दिन पहले वाईफाई का कनेक्शन भी कट हो गया था, और दूसरा हमारा जो है जी टीवी अचानक से चलते चलते इसमें पटाखा हुआ और वो जो है ख़राब हो गया। तो इस वजह से जी अब जो है न्यू टीवी लिया है, तो ये देख सकते हैं जी। तो खास बात है कि गूगल टीवी है, तो खासकर हमारे रिदिमा के लिए तो बढ़िया हो गया। और अभी भी देख सकते हैं जी, मैं भी बचपन में ये ज़्यादातर देखा करता था। और टॉम एंड जेरी किस किस का फेवरेट है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी रिदू की वजह से स्पेशली इसके दादू ने जो है जी, सिर्फ 2 दिन हमारा टीवी बंद रहा, और इसी बीच में मैं रिपेयर कराने की सोच रहा था, पर उसको अभी सामने से लाइट पड़ रही है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है, तो रिदू को तो स्पेशली पसंद है जी टॉम एंड जेरी, तो अभी ये वही देख रही है। तो आप देख सकते हैं जी टीवी काफ़ी बड़ा टीवी है, तो मैं सबसे पहले जी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे को इतने सुंदर टीवी के साथ उन्होंने ब्लेस किया है, और इसका सारा श्रेय जो है जी हमारे मेरे फादर साहब को जाता है जी। 2 दिन सिर्फ हमारा टीवी बंद रहा, मैंने जो है रिपेयर करवाने की सोची थी, जो पुराने वाला है उसको हमने कुछ दिन पहले भी रिपेयर करवाया था, काफ़ी उसमें खर्चा हुआ, तो पर वो 2 महीने भी नहीं चला, तो पापा ने डिसाइड किया कि अब जो है हम नया लेंगे, और उसको काफ़ी टाइम हो चुका था, तो इसीलिए जी। तो ये हमारे आउट ऑफ स्टेशन होने के बावजूद पापा ने जो है सिर्फ 2 दिन हमारा टीवी जो है बंद रहा। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहता हूँ दोस्तों, तो मैं अपने माता पिता के लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ जी परमेश्वर से, कि ये स्वस्थ रहे और दीर्घायु प्राप्त करें, मेरे परमेश्वर से यही प्रार्थना है जी। और आप सबके लिए भी, सभी के माता पिता जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं भी हैं, सबके माँ बाप बिल्कुल ठीक ठाक रहने चाहिए, स्वस्थ जीवन जिए, लंबी आयु जिए। तो मैं आप सबके लिए यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि माता पिता के अलावा कोई भी आपको बुरी सिचुएशन में या बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं मिलेगा, वो चाहे कितना भी हमारा सगा संबंधी हो। तो ये चीज़ें कुछ लोग ठोकर खा के सीखते हैं, और कुछ को वैसे ही सामने आ जाती हैं। तो बस एक छोटा सा मैसेज देना था, एक प्यारा सा कमेंट अपने माता पिता के लिए आप लोग मेरे जो है इनबॉक्स में ज़रूर करना, मैं वेट करूँगा दोस्तों। तो फिलहाल जो है जी यहाँ कपड़े, गर्म कपड़े निकाल रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है, तो जो इनकी रिदू की मम्मी है वो जो है जी कपड़े धोने वगैरह में लगे हुए थे। देख सकते हैं जी कुछ गिफ्ट्स मिले हैं रिदू लेके बैठी है, ये टीवी के साथ जो गिफ्ट मिले आप वो देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों खाना देने बर्ड्स के सेटअप में, और रिदू तो मजे कर रही है जी, टीवी देख रही है अपना, इसी की वजह से इसमें कार्टून ही चलता रहता है ज़्यादातर। तो ये देख सकते हैं जी फीड है, सुबह के टाइम अपने मिनिएचर चिकन फैमिली को ये दूंगा, और दाना जो है मिक्स किया हुआ है, आजकल ठंडा मौसम शुरू हो चुका है तो डाइट में थोड़ा सा फेरबदल किया है मैंने, और बाकी अपनी मुर्गियों को सुबह के टाइम जी मैं वही चोकर अब मिक्स करते हैं और लेकर चलते हैं जी ऊपर छत पर। तो हाँ जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं जी सामने बहुत ही ज़्यादा फॉग है, और मौसम जो है जी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं जी। तो दोस्तों एक हाथ में ज़रा चोट लगने की वजह से जो है, तो एक हाथ में थोड़ी सी चोट लगी, हाथ से मेरे जो प्लेट स्लिप होगी और सारा दाना नीचे गिर गया है,
मेरे ख्याल से मिक्स ही हो गया है। चलो थोड़ा सा बच गया है जी इसमें, तो जो ये बचा हुआ है ये देते हैं जी इनको, पहले खाने को मैं दे देता हूँ, और कबूतरों के लिए फिर दोबारा से मुझे जो है दाना लेके आना पड़ेगा। चलो एक हाथ से थोड़ा सा वीडियो बनाना, और साथ साथ तो शाम के वक्त जी मैंने ये कपड़ा और लगा दिया था इसमें, ताकि जो इनको डायरेक्ट जो हवा ना लगे, क्योंकि आजकल जी ब्रीडिंग पे पूरा का पूरा फोकस है मेरा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे। ओ देखो जी, ये देखो जी, ये खासियत है इस नस्ल की, उड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। देखो जी, निकलने के बाद ऐसा लगता है कि बस जैसे कि सुबह सुबह जेल से छूट गए हैं, और बाहर देखो जी कितने मज़े करते हैं। ये मूवमेंट मैंने दिखाने के लिए स्पेशली आपको व्लॉग किया, एक दो दिन हो गए उस कल की परसों मेरे पास फ़ोन नहीं था। और ये देखो हमारी ब्लैक ब्यूटी भी किस तरह उछल रही है देखो। तो ये कुछ मूवमेंट्स होते हैं जी, ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि जब अच्छा कोई ऐसा मूवमेंट हो तब ज़्यादातर मेरे पास फ़ोन नहीं होता है, तो ये घूम फिर रहे हैं जी। फटाफट से इनको खाना देते हैं, फीड मिक्स हो गया है। ये देखो जी आधा चोकर में भी यहाँ पे गिली हो गई है फीड। चलो जी देना तो इन्हीं को ही है, तो मिक्स हो जाएगा, मैं यहाँ पे इनके बर्तन में छोड़ देता हूँ। लो जी, तो फीड भी और साथ साथ जी चोकर भी देख सकते हैं जी। तो जो हमारा बड़े वाला बच्चा है देख सकते हैं जी, और देखो जी बड़ा प्यारा लग रहा है। अब वो बाप है जी और ये बेटा है, तो ये बड़ा वाला है हमारा जो मेल है, और इससे ठीक 3 हफ्ते का गैप है जी हमारा वो वाला बच्चा। तो ये है जी हमारे आने वाले फ्यूचर के ब्रीडर होंगे जी हमारे घर के बच्चे, इन्हीं की ब्रीड लूँगा मैं, क्योंकि उसका ही मज़ा है दोस्तों। टाइम लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जो ब्रीडिंग करनी हो प्रॉपर, जो है जो लोग करते हैं आप समझ सकते हैं। तो भाई का कमेंट्स भी आ रहे हैं कुछ एक कि हमारे को चिक्स वगैरह मिल सकते हैं सील के लिए या जो भी। अभी तो फिलहाल जो है जी मैं खुद इनकी ब्रीडिंग कर रहा हूँ और सीख रहे हैं, कोशिश चल रही है। हाँ, इन फ्यूचर जब हमारे पास काफ़ी बर्ड्स होंगे तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो लो जी ये बड़ी मज़े से घूम फिर रहे हैं हमारी मिनिएचर चिकन फैमिली, बाकियों को भी भूख लग रही होगी, तो मैं बारी बारी से, तो पहले मैं जो हूँ कुछ बचा हुआ है दाना इसमें मिक्स हो गया, देखो जी चोकर भी चला गया था, और जो है कबूतर नहीं खाते हैं जो चोकर मिक्स हो जाए कई बार या गीला हो जाए दाना, तो ये भी बड़े नखरे करते हैं जी हमारे, और नखरे भी क्यों ना करें, हमारे स्पेशल कबूतर हैं जी। तो देखो मेल बाहर आने के लिए, तो एक दो दिन हो गए जी चोट लगने की वजह से जी, जो रहा हाथ में जरा मेरे ज़्यादा दर्द है, सिर्फ अभी जो है हाथ को मैं सीधा कर पा रहा हूँ, और इस वाले हाथ में ही लगी हुई है, तो जो कोहनी है यहाँ से मेरी बैंड नहीं हो रही है, और प्रेशर डालने पे हाथ में भी दर्द आ रहा है, तो अभी भी प्रॉपर नहीं ठीक हूँ मैं, तो अभी रेस्ट ही चल रहा है दोस्तों। तो अभी भी मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा है, पर दोस्तों चलते फिरते रहते हैं, और वरना हम लेटे हुए रहेंगे रेस्ट ज़्यादा करते रहते हैं तो भी जो है बॉडी थोड़ी लेज़ी हो जाती है। तो मैं साथ साथ जी अपना आराम भी कर रहा हूँ, और सोचा कि आप लोगों के लिए व्लॉग भी करूँ, और क्योंकि जैसा मर्जी हो अपना शरीर पर जी, इनको देखने के लिए तो मुझे आना ही पड़ता है, और इनको देखने के बाद जी एक तसल्ली सी मिल जाती है। और मेरी वाइफ का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ पूरी सपोर्ट करता है जी, क्योंकि आसान नहीं है दोस्तों इनको रखना, इनको टाइम पूरा पूरा देना पड़ता है। जो मेरे भाई पालते हैं उनको पता होगा, सिर्फ दाना पानी ही नहीं, साफ़ सफाई नहीं दोस्तों, इनको हमें जो है टाइम भी पूरा पूरा देना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे छोड़ के इधर उधर चला जाता हूँ, पर जैसे ही दिन का टाइम होता है, लंच टाइम होता है, और जैसे दोपहर का टाइम होता है दोस्तों, और सुई जो है 2-2.5 के पार होती है, तो मेरे दुख दुख होने शुरू हो जाती है। अगर मैं कहीं दूर गया हूँ तो यही चिंता होती है कि इनको खाना दिया होगा नहीं दिया होगा, कैसे होंगे, तो ये थोड़ी सी रहता ही है जी। वो देखो अपनी बड़ी बहन के साथ वो छोटे वाले बच्चे पंगा ले रहे हैं। तो हमारे बौने के भी देख सकते हैं जी न्यू कलर आ चुके हैं जी पंखों में, तो एक परफेक्ट हमारा ब्रीडिंग पेयर है जी, इसने प्रूव कर दिया, तो इसी की प्रजनी है ये आगे आप देख रहे हैं। तो मोरनी आज खड़ी हो चुकी है जी, तो ये भी कुड़क है, मुर्गा मुर्गी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जी। तो मुर्गे के भी अब पहले आपने देखा होगा, अब नए पर पूरे आ चुके हैं, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, वरना कुछ दिन पहले तो जी इसके पूरे के पूरे पंख जो है बिल्कुल निकल चुके थे। तो इनको भी मैं बारी बारी से खाना दूंगा, छोड़ूंगा मैं इनको बाहर, सिर्फ 10-15-20 मिनट ये जरा अच्छे से खाना खा लें, तो मैं पास से आपको बच्चा भी दिखा देता हूँ। और ये हमारा एक और ब्रीडिंग पेयर जी, बाकी जो आप सारे बच्चे देख रहे हैं ये वाला हमारा मेन मेल है, उड़ के चला गया। और ये है जी इनकी माता जी बच्चों की, और एक बच्चा तो ये इसका डर यही रहता जी, पहले भी जो है जो हमारे अंडे खराब हुए थे वो बच्चों के वजह से ही हुए थे। वो देखो मेरे सिर पे ही मंडरा रहे हैं,
यहीं पे उड़े जा रहे हैं ऊपर ही ऊपर। ये जो बच्चे हैं उड़ना सीख रहे हैं तो थोड़ा सा, तो देख सकते हैं जी दो अंडे दिए इस बार हमारी कबूतरी ने। तो बच्चा जो है बार बार जाके डिस्टर्ब करता है तो मैं पीछे ही आ जाता हूँ। तो पानी के बर्तन हटा देते हैं जी इनके। पानी के बर्तन इसलिए भी हटाने ज़रूरी होते हैं सुबह के टाइम दोस्तों, कि जो है मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो आप लोग भी ध्यान रखें कि इनके पास पानी बिल्कुल भी पड़ा ना रहने दें रात भर का खासकर, क्योंकि पूरी रात भर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है पानी, और जो है सुबह को ये पियेंगे और जो है इससे जो है ठंड लगने का डर होता है। एक बारी जो है बर्ड सुस्त हो गया, ठंड लगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, रेशा वगैरह हो जाए, जिस तरह से हमारा ह्यूमन बीइंग का भी होता है, हमारे घर में बच्चे होते हैं छोटे, ठंड लग जाए छाती वगैरह अगर जाम हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए तो हवा से मेनली आप बचा के रखो, खाना पानी अच्छा रखो इनका, दाना पानी, और खासकर पानी को जो है आप थोड़ा सा कोसा पानी देने की कोशिश करें, बिल्कुल ठंडा पानी ना दें। तो कुछ एक ये चीज़ें आप करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को आप देखेंगे कि आपके बर्ड बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। बाकी अपनी मेहनत होती है दोस्तों, जितना हम इनके साथ टाइम देते हैं, इनको समझते हैं, उतना ही हमारे बर्ड जो है ठीक ठाक और हेल्दी रहते हैं। तो नीचे वाले वो देखो जी, रात के टाइम इसलिए बंद कर रहा हूँ इनको नीचे, नहीं तो इनकी जगह वो वाली आप लोगों को पता है, पर जो हमारे साथ जो लास्ट टाइम जो हादसा हुआ, तो हर चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है। खास बात यह है दोस्तों, जो इसका चलने का अंदाज़ है और इसका जो एटीट्यूड है बड़ा ही अलग लगता है। मेरी सारी मुर्गियों में मैंने देखा, जो हमारी देसी भी हैं असील भी हैं, पर जो हमारे बौने का एक रुबाव है रुतबा है वो कुछ अलग ही है, डिफरेंट है। इवन फीमेल भी जो है बड़ी शांत है हमारी जो है, ये जोड़ा है जी हमारा, ये माँ इन बच्चों की और ये है जी फादर। तो साथ साथ इसलिए बताता रहता हूँ जी, जो हमारे नए नए सब्सक्राइबर्स आजकल जुड़ रहे हैं, और मैं सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सभी के प्यार के लिए, इज्जत मान सम्मान के लिए जी, आपका दिल से धन्यवाद। तो ये है दोस्तों आज का हमारा व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आप सबका शौक भी अच्छा चल रहा होगा, और परमेश्वर आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक न्यू व्लॉग में, तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखें।